हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणुका डोरा और आप देख रहे हैं रेणुका डोरा चैनल। और मैं आपके साथ लेकर आई हूँ घर पे बनी हुई दूध से एक पेड़ा। तो कैसे बनाती हूँ आप लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों, राखी आ रही है और हम और गणेश पूजा भी आ रही है जिसमें 56 भोग लगते हैं, तो उसमें बहुत ही इस मिठाई को भी शामिल करना। और कैसे बनाती हूँ आइए देखिए बताती हूँ। तो इसके लिए आप घर में जो दूध आते हैं, दूध पैकेट में आते हैं जिसमें मलाई मक्खन वाले दूध आते हैं, तो उसको आपको डालना, कढ़ाई में चढ़ाना है। बड़े वाले कोई भी बर्तन ले लीजिएगा और उसमें दूध डाल के खोलाना है पूरा अच्छी तरह से। और उसके फ्लेम को थोड़ा जोर ही रखिएगा ताकि अच्छी तरह से ये उबाल आए इसके। और इसको हमेशा चलाते रहना है, साइड साइड से भी इसको चलाते रहना है। तो देखिए चलाते चलाते ये पूरे नज़दीक आ गए हैं। इसी तरह से आपको बनाना है। तो मैं लगातार चला ही रही हूँ, नीचे चिपकने नहीं दे रही हूँ। फिर भी दूध के आइटम है तो थोड़े बहुत ये चिपकते हैं, तो बार बार लगातार चलाते रहना है, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। तो लगातार चलाते हुए ये नज़दीक हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों कितने नज़दीक हो गई है। अब इसमें अब चीनी डालने की बारी है, तो थोड़ा इसमें चीनी डालना है। कितने आप मीठे खाते हैं उस हिसाब से आप चीनी डालेंगे और इससे भी पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। राखी आ रही है, राखी में आप मार्केट से मत लीजिए मिठाई, हो सके जितना हो सके घर पर बना के अपने भाई को खिलाएँ। और गणेश पूजा भी आ रही है, तो गणेश पूजा 56 भोग जो बनाते हैं उसमें भी आप ऐसे मिठाई बना के गणेश जी को भी परोस सकते हैं। गणेश जी पूरा खुश हो जाएंगे घर की मिठाई खा के। और देखिए ये पूरा अच्छी तरह से नज़दीक हो गए हैं। अब इसमें इलायची को कूट दी थी, इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप इलायची पाउडर नहीं खाते हो तो मत डालिए, पर इलायची डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये बनके रेडी है, देखिए ये नज़दीक पूरा हो गई है। इसको हमेशा लगातार चलाना है, इसके कलर को चेंज नहीं करना है, इसे जलाना नहीं है। तो ये बन गई है, अब इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब तो मैं थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसके बाद थोड़े से पेड़ा को लेके इसको राउंड शेप करेंगे और पेड़ा का शेप दे देंगे। तो इसी तरह से दोस्तों बनाना है। अगर बीच में आप पिस्ता बादाम डालें, काजू डालें या पिस्ता डालें, किशमिश डालें, कुछ भी डालिए, या आप चॉकलेट डालें, कुछ भी आप इसे थोड़ा सा हाथों की सहायता से, अंगली की सहायता से थोड़ा सा बीच में दबा के इसमें कुछ भी आप ड्राई फ्रूट डाल के परोस सकते हैं। तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना घर पे बनाए हुए पेड़े, और बहुत स्वादिष्ट भी रहते हैं। तो कुछ भी मिलावटी नहीं है, घर पे इसी तरह से बनाएं और राखी में अपने भाई को खिलाएं, और गणेश पूजा में भी इसी तरह से पेड़ा बना के गणेश बाबा को भी खिलाएं। तो दोस्तों घर में बने हुए ही पेड़े खिलाएं, हो सके घर में बना हुआ जो भी स्वीट है अपने भाई को खिलाएं, अपने घर परिवार को खिलाएं, क्योंकि घर पे बनाए हुए पूरे प्योर होते हैं, कुछ मिलावटी नहीं रहती है। तो देखिए दोस्तों पेड़े बनके रेडी हो रहे हैं, इसी तरह सारे पेड़े बना लेंगे। और कुछ भी आप ड्राई फ्रूट बीच में रख सकते हैं, जैसे मैं काजू रख रही हूँ, आपके पास जो आपको पसंद है वो आप लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन के साथ दोस्त बनाइएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और जो भी मैं वीडियो बनाई आप तक पहुँचे। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई हैं, आप ज़रूर वॉच करना दोस्तों, आपको भी पसंद आएगी मेरे वीडियो। मैंने गणेश पूजा में 56 भोग में जो जो चढ़ते हैं मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो आप मेरे वीडियो हमेशा लगातार देखते रहना। तो दोस्तों देखिए बन के रेडी है, अब इसे प्लेट में सजा देंगे। इसी तरह से आप सजाएं, खिलाएं भाई को, घर के सारे परिवार को। और दोस्तों थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।